बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अब्दुल साजिद, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आवर टुडेज टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ बांध कर टाइट कर घुमाना शुरू कर दें तो वो जिस पाथ पे मूव करेगा वो पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा, यानी उस ऑब्जेक्ट की मोशन होगी तो सर्कुलर मोशन। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक अर्थ जो कि सन के गर्द घूम रही है इसके मोशन भी सर्कुलर मोशन। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, इसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन। लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्टेड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन व्हिच देयर इज नो चेंज इन द स्पीड और ए चेंज इन डायरेक्शन। तो यकीनन जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, आपने किसी दूसरे पॉइंट में बता दिया, जिस तरह से आप ये करके देख सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रही, जब वो चेंज नहीं होगी तो इस तरह की मोशन जो होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी एक यूनिट वेलोसिटी होगी हर एक पॉइंट पर, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर आप इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी या हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका बड़ा इजी सा मेथड है कि आप इस पॉइंट पर जहां पर आप वेलोसिटी डिटरमाइन या फाइंड करना चाह रहे हैं आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, जिस तरह से फिगर में भी है। तो वो जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर दो एरो है, एक वेलोसिटी V1 के लिए और एक एरो वेलोसिटी V2 के लिए। दोनों एरो हमारे पास दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। चूंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, कर पाथ में मूव कर रहा है, तो यकीनन इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से निकाली जा सकती है, जिस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम एंगल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो हम एंगल के जरिए फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी जिसे हम रेडियंस भी कहते हैं, आप उसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो रेडियंस पर सेकंड जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इस फॉर्मूले के जरिए हमें ओमेगा निकालने का तरीका बताया गया है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। 2 पाई यहां पर कर्व पाथ पर ये ऑब्जेक्ट जो फास्ट में कवर कर रहा होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी यहां पर टाइम है जो कि इसको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने में लगेगा। इसी का यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का एक दूसरा रिलेशन है which is 2 pi f। 2 pi तो यहाँ पर मौजूद ही है लेकिन 1 over t को हमने चेंज करके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दिया। f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से इस एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके बारे में भी हमें ये क्वेश्चन बताती है कि वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है। सेकेंडली इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आप राइट हैंड के जरिए निकाल सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो जब आप इस डायरेक्शन में अपने हाथ के फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो आपका थंब होगा वो इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस कंडीशन के अंदर आपका जो थंब होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पिछली डेफिनेशन में हमने लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी थी और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी और
लीनियर वेलोसिटी की वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम अपनी जो पिछली इक्वेशन यूज की है हमने, जिसमें हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं, जिस व्हिच इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, हमने इसको रीअरेंज किया और रीअरेंज करके हम इसे लिख रहे हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हम सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें कि टाइम पीरियड इटसेल्फ क्या है, सिंपली अ टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन को एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हमारे पास कहलाएगा टाइम पीरियड। जो कि नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन असल में एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम स्पीकर को देखते हैं। स्पीकर में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, एक व्हील है जो कि मूव कर रहा है, और इसके सेंटर से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ये परपेंडिकुलर लाइन की नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, हमारे पास एक टॉपिक है व्हिच इज रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन ही होगी, बल्कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव करता है तो इसके पास ना सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी होती है बल्कि इसके बाद लीनियर वेलोसिटी भी होती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ बांध कर घुमाना शुरू कर दें। अब ये बाहर आपको एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप किसी भी पॉइंट पर इस स्ट्रिंग को अपने हाथ से रिलीज कर देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। यानी इसका मकसद ये है कि जब ऑब्जेक्ट का पाथ में मूव करता है तो ना सिर्फ इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है बल्कि इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है। यही चीज़ हमने इस फिगर के अंदर भी समझाने की कोशिश की है। इसमें कार के व्हील्स हैं जो कि एंगुलर वेलोसिटी के ओमेगा के जरिए कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं, और ये जो गाड़ी है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है विद द वेलोसिटी वी। तो इसको अगर हम एक मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे हम लिखेंगे वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। वी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होगी जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, और यहाँ पर वो रेडियस होगा जो कि कर्व पाथ का होगा, ओमेगा हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। अभी हमने बात की एक लीनियर वेलोसिटी की और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की, और हमने ये देखा कि हर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो यूनिक होती है, वो डिफरेंट होती है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका मकसद ये है कि वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जब भी चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में ये ड्यू टू द डायरेक्शन आ रहा है। तो ड्यू टू द डायरेक्शन जो हमारे पास एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इट इज नोन एज सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपेटल लफ्ज का मकसद ये है सिकिंग टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी। तो ये चीज हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, विच विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इट इज प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर,
v यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है और r यहाँ पर वो कर पाथ है जिसमें ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमने टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की है। और इस एग्जांपल में क्या है, अ प्लेन हुज आर्म ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ईच इफ इट रिवॉल्व्स 3300 इन अ मिनट कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक पेन, इसके जो आर्म्स हैं वो 300 टाइम्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ मिनट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि हर सेकंड के अंदर इसके कितनी रिवॉल्यूशंस हो रही होंगी वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एक मिनट में 300 है तो एक सेकंड में कितनी होंगी, तो आप 300 को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो एक सेकंड में जो आपकी रिवॉल्यूशंस होंगी वो आ जाएंगी, व्हिच इज गिवन एज 5 हर्ट्ज। तो ये 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है यानी कि रिवॉल्यूशंस है इन ईच सेकेंड, जो कि आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी बताती है। इसी तरह से अगली टर्म जो कि हमें टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है, तो आपने जो भी फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट की इसको रेसिप्रोकल कर दें यानी कि 1/5 व्हिच इज इक्वल टू 0.2 सेकंड्स। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है 2π/T, जिस तरह से अभी हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था। तो 2π/3 जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 31.4 रेडियंस पर सेकंड हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहां पर ये लीनियर वेलोसिटी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, इसके जरिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है व्हिच इज 31.4, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और रेडियस यानी कि 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर जो जवाब आएगा इट इज 12.56 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन रिलेशंस के जरिए टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक चीज़ है जो कि आपने नोट करनी है, वो चीज़ क्या है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, और ये किस तरह से रेडियस पर डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना कम आपके पास रेडियस होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई डिस्क है और डिस्क के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो डिस्क रिवॉल्व कर रही है और उस ऑब्जेक्ट को आप मूव करते करते एक वक्त में उसको सेंटर की तरफ लेकर आ जाते हैं, तो सेंटर पर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, और फिर दोबारा अगर आप उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से हटाकर किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं और उसका फासला इंक्रीज करते रहते हैं इन, तो आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। तो ये नोट पॉइंट आपने नोट करना है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्सिबल किस चीज़, क्या चीज़ है, किस चीज़ के जरिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज जो कि हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे भी, कि जब भी किसी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना होता है उसके जरिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है, फोर्स यानी कि पुल या पुश। जब पुल या पुश होगा तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में भी यही चीज़ है, फोर्स की वजह से ही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एक हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग के जरिए फोर्स प्रोवाइड की जा रही है इस ऑब्जेक्ट को, और इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिमिलरली जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ भी हमारी सन के गिर्द घूम रही है, तो इस सूरत में जो रिस्पॉन्सिबल बनेगा वो हमारे पास बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स।
So this is end of our today's lecture. Thank you.